बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ट्यूनिस का वीज़ा किस तरह से ले सकते हैं और इसकी जो वीज़ा फ्री एंट्री है पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर वो किस तरह हासिल कर सकते हैं, अगर आप ट्यूनिस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या आप वीज़ा है, तमाम प्रोसीजर आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप ये कहें कि ट्यूनिस से आप यूरोप जा सकते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने इस वीडियो में नए हैं तो चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। जी तो फ्रेंड, बात करते हैं ट्यूनिस के वीज़े की। सबसे पहले हम ट्यूनिस का वीज़ा फ्री आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं, किस तरह वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं ट्यूनिस की। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर किसी भी गल्फ कंट्री का वर्क परमिट, वैलिड वर्क परमिट है या रेजिडेंसी है तो आप ट्यूनिस विदाउट वीज़ा 30 दिन तक रह सकते हैं। आपको 30 दिन ट्यूनिस रहने के लिए किसी किस्म के वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी ट्यूनिस। अगर आप पाकिस्तान से भी जाते हैं तो भी आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपके पास गल्फ कंट्री में से किसी भी कंट्री का वर्क परमिट या फिर रेजिडेंसी होनी लाजमी है ट्यूनिस का वीज़ा फ्री हासिल करने के लिए। अगर आपके पास गल्फ कंट्री का वैलिड वर्क वीज़ा नहीं है या फिर रेजिडेंसी नहीं है तो आपको ट्यूनिस का वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान से ट्यूनिस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट, 4 माह की बैंक स्टेटमेंट चल जाएगी अगर आप ट्यूनिस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। फैमिली रजिस्ट्रेशन चाहिए, आपकी फ़ोटोज़ चाहिए, उसके बाद आपने उनको ये बताना है कि आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस है आपका, ये सब कुछ आपने बताना है। उसके बाद इसकी जो वीज़ा फीस है वो सिर्फ $160 है जो आप एम्बेसी में ही अदा करेंगे। ये रिक्वायरमेंट आप एम्बेसी में जमा करवाएंगे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो वीज़ा है वो लग जाएगा। 30 दिन का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो लगता है, आप उसे कन्वर्ट भी करवा सकते हैं अगर आप वहाँ पर जाकर रहना चाहते हैं। इस टूरिस्ट वीज़े को आप 90 दिन तक कन्वर्ट करवा के ट्यूनिस में रह सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ट्यूनिस से यूरोप जाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि इल्लीगल, आप बहुत कम चांसेस हैं कि आप इल्लीगल जा सकते हैं ट्यूनिस से, क्योंकि माल्टा और ट्यूनिस और इटली का जो फासला है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप मैप पर जाके देख सकते हैं। अगर आप ट्यूनिस से किसी भी बड़े यूरोपियन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपका वीज़ा लग जाए, लेकिन अगर आप वहीं वीज़ा ट्यूनिस जाके टूरिस्ट वीज़े के ऊपर यूरोप के किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका वीज़ा लग जाए। ट्यूनिस की अगर लोकेशन की बात करें तो ट्यूनिस अपने बॉर्डर लीबिया और अलजायर के साथ अपने जो बॉर्डर है वो शेयर करता है, और अगर समुद्री हदूद देखें तो माल्टा और इटली के साथ अपनी जो समुद्री हदूद है वो शेयर करता है। ट्यूनिस एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको फूड जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको हलाल फूड जो है ना वो ईजीली मिल जाएगा। अगर टिकट प्राइस की बात करें तो आपको वाया तुर्की या फिर वाया यूएई आपको टिकट लेनी पड़ेगी, इसकी जो टिकट है वो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये में राउंड ट्रिप मिल जाएगी आने और जाने की। ट्यूनिस की लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे अरेबिक जुबान काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है और साथ ही फ्रेंच जुबान भी काफ़ी ज़्यादा लोग समझते हैं, लेकिन इंग्लिश का इस्तेमाल बहुत कम होता है इस कंट्री में। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो ट्यूनिस के ऊपर, ट्यूनिस का वीज़ा किस तरह से अप्लाई करते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी क्या फीस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल टीच वीज़ा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, आप किसी भी कंट्री के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।